suppose this is a directed graph the weight of the edge is 3 minus 3 2 and 5 when we use suppose one is taken as a source vertex is equal to 1 then we have to find a path from source vertex to all the remaining vertices which have a minimum length minimum distance from source vertex there first step is take here first step is means we partition the set of vertices into two sets one is the vertex which are selected for a single source artist path problem and another one is the other list of vertices they hit here starting suppose this is vertex s so we have to take in vertex s the source vertex and the rest of then we find the distance from distance of each vertex 1 2 3 and 4 there are four number of vertices to 1 se 1 ki distance kya hai 0 hai 1 se 2 ki distance kya hai 3 hai then 3 se 1 se 4 ki distance kya hai 5 hai aur 1 se 3 there is no direct edge there is no direct edge from 1 to 3 hence this is infinite next we select what is the edge 1 से 4 में क्या है 5 है तो वी सिलेक्ट नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट इसमें जो यस में है वी सिलेक्ट द नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच अब इसकी देखिए डिस्टेंस क्या हो गई इसकी 0 हो गई वी फाइंड द डिस्टेंस एंड इसकी डिस्टेंस क्या हो गई 1 2 की इसकी डिस्टेंस 3 है इसकी डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3 दैट इज इनफाइनाइट देन इस डिस्टेंस ऑफ 4 इज 5 और व्हाट इज द रिलैक्स फंक्शन रिलैक्सेशन फंक्शन relaxation function is if distance of UW is greater than distance of W is greater than distance of U plus cost of I cost of iw तो हम क्या करेंगे सिंपली डिस्टेंस ऑफ w को चेंज कर देंगे विंटर डिस्टेंस ऑफ w इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ iw कर देंगे हियर व्हाट हैपेंस हियर डिस्टेंस ऑफ u इज द नेक्स्ट सिलेक्टेड शॉर्टेस्ट वर्टिसेस एंड हियर व्हाट हैपेंस फर्स्ट टाइम्स this one is the shortest distance to we select this particular vertex as a second vertex to here 1 2 next kya hoga 1 2 when 2 is selected as a, then we go any vertices any vertex which have a shorted path by using the vertex 2 by using vertex 2 then what happens here when we use a vertex 2 for going the same 2 के 3 यदि आपको जाना है किसी पे 3 पे जा नहीं सकते हम 4 पे जा नहीं सकते और 2 पे ऑलरेडी है 1 से 2 पे तो दिस मींस द डिस्टेंस इज सेम 0 3 इनफाइनाइट 5 नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द एज 3 शॉर्टेस्ट एज कौन सा है 3 है वी हैव टू सेलेक्ट 3 तो दिस इज 1 2 3 एंड नेक्स्ट इसका क्या होगा 1 से 1 पे 0 है 1 से 2 पे जाना है 3 के थ्रू तो 2 की क्या होगी 3 बिकॉज़ दिस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एज ए शॉर्टर डिस्टेंस फिर यहां पे देखिए 1 से 4 पे जाना है 1 से 4 जाना है वाया 3 तो हम जा सकते हैं 1 से 4 पे वाया वर्टेक्स सॉरी वर्टेक्स हमने क्या किया है वर्टेक्स 4 सिलेक्ट किया है तो वाया वर्टेक्स 4 जाना है 1 से 3 पे तो 1 से हम 4 गए और 4 से 3 पे चले गए तो दिस इज इनफाइनाइट से क्या हो गया यहां पे इसकी डिस्टेंस क्या हो गई मिनिमम देन इनफाइनाइट तो डिस्टेंस ऑफ w हम चेंज कर देंगे तो यहां पे देखिए इसकी डिस्टेंस चेंज हो के कितना हो जाएगी 5 टू 7 तो दिस इज 7 5 नेक्स्ट नियरेस्ट वर्टेक्स अब ये सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो चुका है दिस मींस दिस वन इज द नियरेस्ट
तो अब क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्टेक्स, तो दिस इज 1 2 3, 1 2, ये 3 नहीं है 4 है, 1 2 4 कॉमा 3। अब ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, 0 3 7 5। व्हेन वन गो मोर, व्हेन वी गो वन मोर स्टेप, देन व्हाट हैपेंस, मोर हैपेंस मींस दिस वन इज सिलेक्टेड एज, व्हेन 3 7 इज सिलेक्टेड एज शॉर्टेस्ट वर्टेक्स, देन व्हाट हैपेंस हियर, what is the distance of 2 when 3 is selected as the shortest vertex, then what is the 3 se hum 2 pe dekhe ja sakte hain, 3 se 2 ke liye edges hai yahan pe, to 3 se jab 2 pe jayenge to 3 ki distance kya hai, 7 hai, aur iski isme kya ho jayega, -3, to 7 is greater than, check karenge 7 is greater than, sorry 2 ki distance kya hai, w hai, w ki value 2 hai, to this is 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो दिस मींस 3 इज ग्रेटर देन 4, तो कंडीशन इज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, कंडीशन इज फॉल्स, तो देयर इज नो चेंज इन द एजेस, मींस आफ्टर वन स्टेप अहेड द, व्हेन 1 2 4 3 एक स्टेप जाएंगे तब भी आपका डिस्टेंस क्या होगा, 0 3 7 5 ही होगा, दिस मींस देयर इज नो चेंज, मींस फॉर दिस negative weight edge the Dijkstra algorithm work, but what happens when we change this, ab yahan pe isko humne -10 kar diya, then what happens, to dekhiye initially to iska kya hai h, there is no direct edge from there is no direct edge from 1 2 3, to infinite hai, first 2 is taken as 2 is selected, then kya aa gaya 3 5 infinite, then 5 is selected, ye aa gaya, next 3 is selected, suppose we select 3, तो क्या होगा, यहीं पे आपका for one more step क्या हो जाएगा, simply when we selected this as a 3 as a vertex, तो 3 से अब देखिए कहां कहां पे outgoing edges हैं, 3 से 2 पे है only, तो हमें इसी को देखना है, 2 is greater than इसकी, इसकी क्या है, इसका 3 है distance, 2 का distance, distance of w is 2, 3 is greater than क्या हो जाएगा, 7 minus 10, 7 minus 10, this means we change the distance of 2. Distance of 2 is equal to, क्या हो जाएगा? Distance of u plus iw, cost of iw, या cost of iw means cost of distance of u plus distance of cost of uw हो गया, not iw. UW कर लीजिए, cost of UW, तो देखिए क्या है, distance of U क्या है, distance of U, that is distance of 2 क्या है, 3 है, that is distance of U क्या है, distance of U, ये 2 है, sorry, okay, 3 है, इसका distance क्या है, initially यहाँ पे देखिए, इसका distance 3 है 2 का, 3 is greater than, आपको check करना है, 3 is greater than distance of U, means distance of U, कौन सा है, distance of W, ये हो गया, distance of U क्या है, that is 7 plus cost of UW क्या है, -10, so this is 3 is greater than -3, this means this is false, condition is false, then hence this means Dijkstra algorithm does not works for this graph, क्योंकि one more step पे जाएंगे तो आपको shortest distance क्या मिल जाएगा, 0, अब इसका distance क्या होगा, shortest distance, this is इसका shortest distance क्या है, 7 minus 10, that is -3 हो जाएगा, तो इसका shortest distance क्या हो जाएगा, -3 7 5, तो when we go one more step, तो this means it gives a minimum path from source vertex to some destination vertex, this means Dijkstra algorithm fails in this case, so we can say that Dijkstra algorithm may or may not work for a negative edge weighted graph, and it is necessary that when there is a cycle of negative length, then Dijkstra algorithms are even, we cannot solve it through a dynamic programming approach, so this is simply a Dijkstra algorithm. Next, what is the, how we solve dynamic programming, approach
सॉल्विंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर सॉल्विंग सिंगल सोर्स आर्टिस्ट पाथ प्रॉब्लम problem you already know what is the meaning of problem of single source artist path problem means single source vertex is given we find all the remaining vertices paths which have a minimum weight of all remaining paths have a minimum our distance is minimum so what happens in case of when we use when we use a dynamic programming approach relaxation function is same relaxation relaxation function kya hai simply what is this if distance of for each edge what kya hoga sir aapki awaaz bahut slow aa rahi hai yes now my voice is clear Yes, sir. Okay. Just wait 1 minute. Sorry for interrupt. Here, in case of dynamic programming approach, simply we assign for a distance of I is equal to for each here for each vertex I for I is equal to 1 to n distance of I is equal to क्या कर लेंगे cost of v comma i where v is a source vertex v is a source vertex then for k is equal to simply second step for k is equal to 2 to n minus 1 for k is equal to 2 to n minus 1 for each u that such that for each u such that u are not equal to v and u has at least one edge incoming edge has
एटलीस्ट वन इनकमिंग एज देन फॉर ईच आई कॉमा यू बिलोंगिंग टू एच देन फॉर ईच आई कॉमा यू बिलोंगिंग टू एच इन द ग्राफ we do the following if distance of u is greater than distance of I plus cost of I comma u then simply we change then hum kya karenge distance of u ko hum kya kar denge distance of I plus cost of I u कर देंगे सिंपली आपको ये करना है फॉर ईच एज वहां पे क्या था फॉर वर्टेक्स रिमेनिंग वर्टिसेस यहाँ सिंपली व्हेन वी यूज अ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम वहां जो हम स्टार्टिंग वर्टेक्स तो आपका जो है सोर्स वर्टेक्स होता था जो नेक्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट करते थे वो हम मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स सिलेक्ट करते थे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करते थे यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है यहाँ क्या करना है इनिशियली क्या करना है डिस्टेंस ऑफ आई फॉर ईच वर्टेक्स आई डिस्टेंस ऑफ आई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वी आई कर लेना है तो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ दिस ग्राफ और इसको इन टर्म्स ऑफ यदि हम लिखना चाहें कि व्हाट हैपेंस हियर इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच तो सिंपली वी write it in recursive form distance of k u is equal to mean of what distance of k minus 1 u comma mean of I k minus 1 I distance of k minus 1 I plus cost of I u यही सिंपली आपको लिखा है फॉर ईच आई यू बिलोंगिंग टू एज इन द ग्राफ इफ डिस्टेंस ऑफ यू इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ आई तो हम इसको डिस्टेंस ऑफ आई प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी आई डब्ल्यू तो हम क्या कर लेंगे डिस्टेंस ऑफ यू को हम चेंज कर दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आई प्लस कॉस्ट ऑफ आई डब्ल्यू सिमिलर थिंग्स इज रिटन एज डिस्टेंस ऑफ के यू मीन्स हियर डिस्टेंस ऑफ वन यू क्या है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वन यू दिस इज द इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ आई या डिस्टेंस ऑफ वन यू बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वन यू इज इक्वल टू या वन आई बोल सकते हैं हम या यू बोल सकते हैं कुछ भी ले लीजिए दिस इज इक्वल टू कास्ट ऑफ वी आई कास्ट ऑफ वी आई फिर हम डिस्टेंस ऑफ टू मीन्स डिस्टेंस ऑफ टू यू मीन्स मिनिमम टू नंबर ऑफ वर्टिसेस को लेते हुए चलेंगे देन वी गो टू देन द नेक्स्ट स्टेप इज What is this? This is the simply what is distance of KU. This is the length of shortest path from source vertex. Shortest path length from source vertex V to vertex U. U. Under the constraint that shortest path contains at most k edges so this is the meaning of this shortest path length from source vertex v to vertex u that under the constraint that shortest path contains at most
एजेज, एट मोस्ट के एजेज हो सकती है व्हेन वी फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ के यू. व्हेन वी फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ वन यू, डिस्टेंस ऑफ वन यू, तो दिस मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू वर्टेक्स यू दैट कंटेन्स अंडर द कंस्ट्रेंट दैट शॉर्टेस्ट पाथ कंटेन्स एट लीस्ट वन एजेज. At most one edge ही हो सकता है. Some vertex के लिए कोई edge नहीं होगा, some के लिए from source vertex some के लिए some edges होंगे. Then यदि हम इससे क्या फिर next निकालेंगे, this is the cost of, हम कह देंगे cost of v comma i हो जाएगा initially. Then from this distance of one u we find a distance of two u, means this is the shortest path from source vertex v to vertex u under the constraint that the shortest path contain at most two edges. Then we find a similarly in this way distance of 2u, and in this way we find a distance of k minus 1u, and after that we find a distance of this. When we stop, next question is when we stop the process of finding, either do aa jaye distance of, so simply hum kya find karenge, this is n minus 1 step find karenge, n minus 1 step where n is the number of vertices. So here, what is the recursive formula for finding the distance of any vertex u, where u are not equal to v, means u is not taken as a source vertex. So this is minimum of distance of k minus 1 mein jo uska u hai, comma min of i for each i ke liye, distance of k minus 1 i plus cost of i u. यदि minimum है तो इन दोनों में से जो भी minimum होगा वो हम लेंगे. Let us consider examples. How we find the, what is this? Suppose this is a graph. This is a graph of that consisting 7 number of vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is the 1 से 2 पे एक एज है जिसका वेट 6 है, 1 से 3 पे एज है जिसका वेट 5 है, 1 से 4 पे एज है जिसका वेट 5 है. ओके, नेक्स्ट एज है 2 से 5 पे है माइनस वन. फिर 3 से 5 पे है जिसका वेट वन है. 4 से 3 पे है माइनस टू है. देन 4 से 6 पे माइनस वन. 5 से 7 पे 3 है एंड 6 से 7 पे भी इसका कास्ट क्या है. और एक 3 से 2 पे है जिसका वेट क्या है -2. तो पहले तो हमें फाइंड करना है देयर इज एनी साइकिल इन द ग्राफ. अब देख लीजिए कहीं पे भी किस वर्टेक्स के बीच, यहां पे देखेंगे एक साइकिल फॉर्म यहां हो सकती है लेकिन साइकिल फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि ये जो है 2 से 1 के लिए यदि वर्टेक्स होता तो साइकिल फॉर्म होती. यदि कहीं साइकिल फॉर्म हो रही है तो फिर हमें देखना है कि साइकिल की जो टोटल पाथ लेंथ है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये साइकिल होता तो हमें देखना है कि ये जो पाथ लेंथ है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है. 5 प्लस माइनस 2 प्लस 6 दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव. यदि पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि निगेटिव लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में यहाँ ग्रीडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच भी फेल होगा, वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आपको नहीं देगा फाइनली. तो हियर देयर इज नो साइकिल ऑफ नेगेटिव पाथ लेंथ, हेंस वी फाइंड हियर सपोज सोर्स वर्टेक्स इज 1, सोर्स वर्टेक्स इज 1, तो वी फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स 1 टू ऑल द रिमेनिंग वर्टिसेज ऑफ द ग्राफ, मींस 1 टू 2 पे क्या होगी शॉर्टेस्ट पाथ, 1 से 3 क्या होगी, 1 से 4 क्या होगी, 1 से 5 क्या होगी, बिकॉज देयर दिस ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ सम नेगेटिव वेट एज, दिस मींस इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स गिव्स अ शॉर्टेस्ट पाथ फॉर दिस ग्राफ. तो हेंस वी यूज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इफ देयर इज नो
साइकिल इन द ग्राफ विच हैव अ निगेटिव पाथ लेंथ, तो आपको ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन. एंड दिस एल्गोरिथम इज नोन एज ए बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. तो हाउ वी फाइंड द हियर, अब आपको देखिए क्या करना है, सिंपली के की वैल्यू लेना है. वी नो दैट व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ के यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सिंपली हियर दिस इज रिटन एज मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ के माइनस वन यू, मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ के माइनस वन यू कॉमा मिनिमम ऑफ आई. फिर क्या होगा, दिस इज डिस्टेंस ऑफ के माइनस वन आई प्लस फॉर सम आईज इफ देयर इज एन इनकमिंग एज फ्रॉम आई टू यू. तो अब आपको डिस्टेंस ऑफ क्यू के यू, तो सिंपली फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वन यू, डिस्टेंस ऑफ वन यू. तो हेयर के की वैल्यू ले लें के, एंड दिस इज द नंबर ऑफ वर्टिसेज, नंबर ऑफ वर्टिसेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर ऑफ वर्टिसेज व्हेन के इज इक्वल टू वन. तो दिस मीन्स डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू ऑल द रिमेनिंग वर्टिसेज व्हिच हैव एट मोस्ट वन एजेस. अब देखिए यहां पे देखिए सिंपली इसका डिस्टेंस, अब यहां पे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वन, वन का डिस्टेंस बिकॉज दिस वन इज द सोर्स वर्टेक्स, इसका डिस्टेंस क्या होगा जीरो. अब टू का डिस्टेंस, तो इससे सोर्स वर्टेक्स से टू के लिए कोई पाथ है, यस yes, है. तो इसका क्या है, जो लेंथ है इस पाथ का वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा. तो दिस इज सिंपली क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस सिक्स हो गया, इसका डिस्टेंस फाइव हो गया, ठीक है. इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा. इसका डिस्टेंस क्या होगा, देयर इज नो डायरेक्ट पाथ, दिस मीन्स इनफाइनाइट, देयर इज नो डायरेक्ट पाथ इनफाइनाइट, देयर इज नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू वर्टेक्स सेवन, दिस मीन्स इनफाइनाइट. तो अब आप लिख लीजिए सिक्स फाइव फाइव. देखिए व्हेन के इज इक्वल टू वन, वन से वन का डिस्टेंस क्या है, जीरो है. वन से टू का डिस्टेंस, नेक्स्ट डिस्टेंस क्या मिल रहा है आपको, टू का डिस्टेंस कितना मिल रहा है, दिस इज टू का डिस्टेंस क्या है, सिक्स है, सिक्स. देन थ्री का डिस्टेंस है फाइव, फोर का डिस्टेंस है फाइव, फाइव का डिस्टेंस है इनफाइनाइट. व्हेन के इज इक्वल टू टू, so this means shortest path from source to all the remaining vertices which have at most two edges. So ab at most two edges dekh lijiye iska ab kya hoga, at most two edges. So simply we find the, ab dekhiye yahan pe kya hai, simply one ka one se one pe to koi incoming edge nahi hai. Ab yahan pe dekhiye two se two pe incoming edge hai, टू पे इनकमिंग एज है, क्या है, ये डायरेक्ट थ्री से आ रही है इनकमिंग एज, ठीक है. टू पर इनकमिंग एज कहाँ से आ रही है, थ्री पे आ रही है. तो अब हमें इसका देखिए डिस्टेंस ऑफ टू क्या है, सिंपली यहाँ पे यदि फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ टू एच ग्रेटर देन यदि है किससे, डिस्टेंस ऑफ यू, यू किससे है, यू किससे, इसके लिए टू के लिए एज है थ्री से है, तो डिस्टेंस ऑफ थ्री प्लस कॉस्ट ऑफ थ्री टू टू. अब देखिए ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ टू कितना है, डिस्टेंस ऑफ टू ऑलरेडी जो है इसमें क्या है, सिक्स है, सिक्स इज ग्रेटर देन ये क्या है, फाइव है इसका डिस्टेंस और ये माइनस टू है, फाइव माइनस टू. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, वी चेंज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फाइव माइनस टू दैट इज इक्वल टू थ्री. नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या हो गई इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस थ्री हो गई. फॉर ईच एज के लिए करेंगे, फॉर ईच एज इफ देयर एग्जिस्ट एन एज इनकमिंग एज इन द वर्टिसेस. अब देखिए नेक्स्ट थ्री के लिए देखिए थ्री की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे थ्री की डिस्टेंस क्या है, अभी फाइव है. अब देखिए थ्री की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिंपली थ्री की डिस्टेंस यहाँ पे देखिए फाइव. अब ये देखिए इसकी एज क्या है, यहाँ देयर इज एन वन इनकमिंग एज, एक तो ये डायरेक्ट है जो कि ऑलरेडी लिखा था फाइव,
जो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी वो हमें लेना है। दूसरी जो एज आ रही है यहाँ पे वो किससे आ रही है, फोर से। वी ऑलरेडी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर, डिस्टेंस ऑफ फोर क्या है, फाइव है, और ये क्या है, इससे माइनस टू हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या है, फाइव है। तो अब देखिए ये जो एज आ रही है इसका डिस्टेंस फाइव माइनस टू थ्री हो जा रहा है, तो इसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, थ्री की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, थ्री की डिस्टेंस अब आपका यहाँ पे हो जाएगी थ्री हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फोर के लिए, फोर के लिए एक इनकमिंग एज ये है और कोई इनकमिंग एज नहीं आ रही है, देर इज नो चेंज। इसका डिस्टेंस कोई भी मिनिमम डिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका डिस्टेंस ऑलरेडी वही रहेगा जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा, इसमें कोई मिनिमम नहीं है, दिस मीन्स दिस वन इज द मिनिमम, ये आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए फाइव पे इनकमिंग एज है, फाइव पे इनकमिंग एज है, ठीक है, फाइव पे इनकमिंग एज है। अब देखिए फाइव पे इनकमिंग एज क्या है, सिंपली व्हाट हैपेंस हियर, तो टू से फाइव पे हम जा सकते हैं, टू से फाइव पे हम जा सकते हैं, तो ऑलरेडी टू का एज कितना था, टू फर्स्ट स्टेप पे देखना है कि फर्स्ट स्टेप पे टू का एज कितना था, फर्स्ट स्टेप पे इसका टू का डिस्टेंस सिक्स था, अभी हम सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है तो अभी थ्री हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये टू का सिक्स है तो सिक्स माइनस वन। अब देखिए ये इनफाइनाइट से लेस है तो दिस मीन्स इनफाइनाइट चेंज हो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ओके, अब सिक्स का देख लीजिए, देयर इज ए इनकमिंग एज, अब इनकमिंग एज है, इसका डिस्टेंस क्या, इसका क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस फाइव है, इसका माइनस वन, तो फाइव प्लस माइनस वन दैट इज फोर, इज इनफाइनाइट इज ग्रेटर कंडीशन ट्रू, दिस मीन्स वी चेंज द डिस्टेंस ऑफ सिक्स, ये क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, फाइव माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए देयर इज अ इनकमिंग एज, सम इनकमिंग एज फ्रॉम सेवन, ठीक है, थ्री फॉर ईच इनकमिंग एज टू ईच वर्टेक्स के लिए हमें इसको जो है चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए थ्री आया, इसका क्या है, थ्री है, इसका डिस्टेंस क्या था, सिंपली इसका डिस्टेंस देखिए इनफाइनाइट था, इसका भी डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका भी डिस्टेंस इनफाइनाइट है पहले स्टेप में, तो इसका डिस्टेंस नेक्स्ट स्टेप पे इनफाइनाइट ही रहेगा। तो अब आपका जो डिस्टेंस आया यहाँ पे तो सिंपली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस टू में आ जाएगा, फिर के वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू टू, वन से वन का जीरो है, वन से टू के लिए थ्री हो गया, थ्री के लिए थ्री का डिस्टेंस क्या आ गया, थ्री आ गया, फोर का डिस्टेंस क्या आ गया, ऑलरेडी वही है फाइव है, फाइव का डिस्टेंस इनफाइनाइट की जगह चेंज हो गया, फाइव आ गया, और इसका फोर आ गया, इसका अभी भी इनफाइनाइट। अब देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू थ्री व्हाट हैपेंस, व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज एट मोस्ट थ्री एजेस, दिस एट मोस्ट थ्री एजेस, दो से हम ऑलरेडी सोल्यूशन निकाल चुके हैं, अब तीसरे के लिए हमें करना है। तो अब फिर अगेन देख लीजिए यहाँ पे सिंपली, अब इसका व्हाट इज द डिस्टेंस, अब टू के लिए एज आपको देखना है, तो टू के लिए क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस इसके पहले स्टेप जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसमें थ्री हो गया है, थ्री का डिस्टेंस, देयर इज एन इनकमिंग एज, इनकमिंग एज फॉर वर्टेक्स टू फ्रॉम वर्टेक्स थ्री, तो अब थ्री का डिस्टेंस क्या है, थ्री माइनस टू, इसका ऑलरेडी डिस्टेंस क्या है, थ्री है, तो दिस इज थ्री इज ग्रेटर देन थ्री माइनस टू दैट इज इक्वल टू वन, द डिस्टेंस ऑफ टू इज चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब थ्री पे आइए, देयर इज एन इनकमिंग एज टू थ्री, अब थ्री में क्या है इनकमिंग एज, देखिए थ्री के सिंपली एक इनकमिंग एज यही आ रही है दैट इज फ्रॉम फोर, तो फोर से आ रही है, तो यहाँ पे फोर का डिस्टेंस क्या है, फाइव है, ओके, और इसका डिस्टेंस क्या है, ये फाइव है माइनस टू है, तो फाइव माइनस टू थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री, थ्री इज इक्वल टू थ्री, वही डिस्टेंस है सेम, देयर इज नो चेंज, तो इसका डिस्टेंस अभी भी थ्री रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे देखिए कि क्या फाइव पे कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है, फाइव पे कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए फाइव पे कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो सिंपली टू, अब यहां से देखिए व्हेन वी कंसीडर एट लीस्ट थ्री पाथ, तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस क्या है, थ्री है, और इसका डिस्टेंस क्या है, वन है, तो दैट इज इक्वल टू फोर के लिए क्या है, फोर के लिए फाइव ही होगा क्योंकि ये कोई इनकमिंग एज नहीं है, एक इनकमिंग एज है, फाइव आ रहा है, इसका डिस्टेंस फोर है। फाइव के लिए देखेंगे तो देर आर टू इनकमिंग एज, तो अब यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस जो है क्या था, थ्री था, और इसका माइनस वन हो गया, तो थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, फाइव है इसका डिस्टेंस, तो फाइव इज ग्रेटर देन दिस, तो दिस मीन्स दिस इज चेंज, अब यहाँ पे क्या होगा, थ्री माइनस वन ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ओके, थ्री माइनस वन दैट इज इक्वल टू
टू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थ्री माइनस वन ये टू हो गया। सिक्स के लिए एक ही इनकमिंग एज है, फाइव माइनस वन फोर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सेवन, तो इसका डिस्टेंस ऑलरेडी हम प्रीवियस स्टेप में क्या था, फाइव था, तो फाइव प्लस थ्री दैट इज सॉरी क्या था इसका डिस्टेंस क्या था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वन टू सेवन, वन टू सेवन के लिए डिस्टेंस देखिए इसका प्रीवियस स्टेप पे। अब देखिए इसका फाइव है और ये थ्री है, फाइव थ्री एट होगा। दूसरा डिस्टेंस एक एक इनकमिंग एज है, ये है सिक्स से है यहाँ पे सेवन पे, तो सिक्स का ऑलरेडी डिस्टेंस क्या है फोर है, प्लस थ्री सेवन है, तो ये एट है और ये सेवन है, विच वन इज मिनिमम, सेवन इज मिनिमम, तो इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा सेवन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे लिख दीजिए आप, नेक्स्ट स्टेप पे व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू दिस इज जीरो, टू के लिए ओनली वन हो जाएगा, थ्री के लिए थ्री है, फोर के लिए क्या है फाइव है, फिर फाइव के लिए चेंज हो गया है दैट इज टू, फिर सिक्स के लिए फोर ही है, सेवन के लिए सेवन डिस्टेंस हो गया। व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू फोर, व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू फोर, when the value of k is equal to 4 then what is the distance, when the value of k is equal to 4, ab dekhiye fir se again aap 3 times kar chuke hain, ab yahan pe dekhiye iska distance kya hai 1 hai, there is an some incoming 2 3 se aa raha hai ek aur ek 4 se aa raha hai, to ye to already 6 tha, ye jo 3 se aa raha hai uska kya hoga, iska distance 3 hai, theek hai, iska distance minus 2 hai, to ye 1 hoga, कोई चेंज नहीं होगा, इससे मिनिमम कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो ये कोई चेंज, इसका टू का भी वन ही रहेगा। थ्री का देखिए, थ्री में कौन से, एक इनकमिंग एज है, एक इनकमिंग एज है, देयर इज नो चेंज, थ्री का भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए फोर पे, फोर पे एक ही इनकमिंग एज है, फाइव ही रहेगा। फाइव पे आ जाइए, तो अब देखिए फाइव पे जब आएंगे तो इसके पहले वाले स्टेप में इसकी डिस्टेंस क्या है, टू से इनकमिंग एज है और एक थ्री से इनकमिंग एज है, तो थ्री का डिस्टेंस थ्री प्लस वन फोर है, हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, इसका डिस्टेंस क्या है टू है, तो टू इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज ट्रू, दिस मींस वी चेंज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फाइव, तो फाइव को वर्टेक्स क्या होगा टू की जगह वन माइनस वन दैट इज जीरो, तो नेक्स्ट स्टेप इसका डिस्टेंस क्या हो गया जीरो हो गया। इसका वर्टेक्स देखिए चेंज होगा कुछ, दिस इज सिक्स का एक ही इनकमिंग एज है, फाइव माइनस वन फोर से है तो फोर ही रहेगा। अब देखिए सेवन, सेवन में क्या कोई चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसके प्रीवियस स्टेप में इसकी डिस्टेंस क्या थी टू थी, टू प्लस थ्री फाइव, इसका फोर प्लस थ्री सेवन, विच वन इज मिनिमम, थ्री प्लस टू फाइव इज मिनिमम, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। राइट डाउन हियर इन स्टेप फोर जीरो वन थ्री फाइव सिक्स सेवन एट इसका जीरो हो गया, इसका फोर हो गया, इसका फाइव हो गया। नेक्स्ट राउंड फाइव, when the value of k is equal to 5, what happens here when value of k is equal to 5, this is, अब देखिए next round पे जाइए, इसके distance में कोई change नहीं होगा, इसके distance में कोई change नहीं होगा, इसके distance में भी कोई change नहीं हो रहा है, ठीक है। next अब देखिए 5 के लिए क्या कोई change होगा, इसका क्या था distance 1 था, minus 1 0 वही रहेगा, कोई change नहीं होगा। next अब आप आ जाइए 6 के लिए, कोई चेंज होगा नहीं होगा, कोई सिक्स के लिए भी फाइव माइनस वन फोर ही रहेगा। अब सेवन के लिए आइए, इसका डिस्टेंस क्या है जीरो है, ठीक है, जीरो प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ये क्या है फोर प्लस थ्री सेवन, कौन सा मिनिमम है थ्री इज मिनिमम, ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो ओनली एक चेंज हो रहा है, जीरो वन थ्री फाइव जीरो फोर और ये क्या हो गया हो गया। स्टेप सिक्स, स्टेप सिक्स पे जाइए, नेक्स्ट स्टेप जाइए, व्हाट हैपेंस हियर, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसका डिस्टेंस जीरो है, इसका डिस्टेंस थ्री है, कोई चेंज कहीं पे नहीं होगा और आपको सिमिलर मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, कहीं पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो वन थ्री फाइव जीरो फोर थ्री, तो ये जो सिक्स मीन्स दिस एंड दिस आर सेम, तो व्हेन डिस्टेंस ऑफ के माइनस वन यू इज इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस ऑफ के यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ के माइनस वन यू,
दो यहाँ पे भी यदि दोनों सिमिलर हो जाते ठीक है, तो हम यहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर देते। तो वी स्टॉप द प्रोसेस व्हेन डिस्टेंस ऑफ के यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, डिस्टेंस ऑफ के यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ के माइनस वन यू। यहाँ पे देखिए मिल गया, वी स्टॉप द प्रोसेस, अदरवाइज मैक्सिमम हम क्या जाएंगे, एन माइनस वन वर्टिसेस तक जाएंगे फॉर के इज इक्वल टू 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 एन माइनस वन। इनिशियल दिस वन इज द इनिशियल स्टेप, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री टू से चले टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स था यहाँ पे ठीक है, तो एन माइनस वन तक हम जाएंगे। तो दिस आर द नंबर ऑफ स्टेप, मैक्सिमम हमें एन माइनस वन स्टेप करना है स्टार्टिंग फ्रॉम के माइनस वन। तो यहाँ सिक्स स्टेप ही मैक्सिमम करना था, ऑलरेडी ऑल द स्टेप आर कंप्लीटेड, दिस मीन्स दिस वन इज द फाइनल। अब यदि हमें चलना है तो सपोज करिए सोर्स वर्टेक्स वन से वन के लिए डिस्टेंस क्या हो गई, वन से वन के लिए डिस्टेंस जीरो, वन से टू के लिए डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे जो आ रही है दिस वन इज मिनिमम, वन से टू के लिए डिस्टेंस क्या है, वन से टू के लिए जो डिस्टेंस मिल रही है हमें वन, फिर सिमिलरली वन से थ्री के लिए जो डिस्टेंस मिल रही है थ्री, वन से फोर के लिए फाइव, वन से फाइव के लिए जीरो, वन से फोर के लिए सिक्स, सॉरी वन से सिक्स के लिए फोर, वन से सेवन के लिए हम थ्री डिस्टेंस ट्रेवल करके हम सेवन वर्टिसेस पे पहुंच जाएंगे। तो दिस वन इज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर फाइंडिंग सिंगल सोर्स हार्डेस्ट पाथ प्रॉब्लम, एंड दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फेल्स व्हेन द पाथ डायरेक्टेड पाथ कंसिस्टिंग अ नेगेटिव वेट लेंथ साइकिल। इफ देयर इज अ साइकिल व्हिच हैव अ नेगेटिव लेंथ देन दिस दिस मेथड इज फेल्स, एंड दिस मेथड इज फॉर फाइंडिंग सिंगल सोर्स हार्डेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज नोन एज ए बेलमैन फोर्ड, बेलमैन फोर्ड अप्रोच फॉर। एंड वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मेथड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मेथड इज ऑर्डर ऑफ यन इन टू ई, ऑर्डर ऑफ यन इन टू ई, ई क्या है, यन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेज, ई इज द नंबर ऑफ एजेस, एंड इन केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ ऑफ यन वर्टिसेज वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज ई इज इक्वल टू यन इन टू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, तो यन इन टू यन टू एन माइनस वन बाई टू दैट इज इक्वल टू वॉट, दिस इज ऑर्डर ऑफ यन क्यूब, दिस इज ऑर्डर ऑफ यन क्यूब हो जाएगी। तो इन केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ ऑफ यन वर्टिसेस, इफ द ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ यन इंटू एन माइनस वन बाई टू एजेस मीन्स दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ यन वर्टिसेस, दिस मीन्स वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग, दिस इज ऑर्डर ऑफ यन क्यूब, एंड रेस्ट इज क्या है वो बेस्ट केसेस के लिए ऑर्डर ऑफ यन इंटू ई वेर ई इज द नंबर ऑफ एजेस। तो दिस इज द ऑल ओवर अबाउट सिंगल सोर्स हार्डेस्ट पाथ प्रॉब्लम बाय यूजिंग बेलमैन फोर्ड अप्रोच, एंड हियर इन दिस नोट्स दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो डिस्कस, वी रिवाइज दिस बिकॉज वी ऑलरेडी what is simply here, this is the in case Dijkstra algorithm we already discussed about this, ki yadi aapka koi bhi negative edge ka negative weighted graph mein koi negative edge hai, negative weight edge hai, so this means Dijkstra algorithm work for some cases and it may not work for some अदर केसेस। जैसे इसके लिए यदि हम देखें फाइव है, सेवन है, माइनस फाइव है, ठीक है, तो दिस के लिए क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे दिस वन इज एग्जीक्यूटेड। यदि हम एक स्टेप ज्यादा जा रहे हैं तो देखिए इसकी डिस्टेंस क्या हो जा रही है, डिस्टेंस सिंपली क्या हो जा रही है, थ्री की डिस्टेंस देखेंगे तो थ्री की डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जा रही है। इस केस में यदि वन स्टेप मोर हो जा रहे हैं तो हम डिस्टेंस थ्री की देखेंगे तो सेवन माइनस फाइव, अभी तक डिस्टेंस क्या था, सिंपली डिस्टेंस इसका वन का जीरो था, टू का सेवन हो जाएगा, थ्री का फाइव हो जाएगा, ओके okay? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे तो ये फाइव लेंगे, थ्री से कहीं पे भी एज है नहीं, कोई जा नहीं रही है, तब भी वही डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे सेवन लेंगे, व्हेन बी सेवन लेंगे तो सेवन से देखिए, जब सेवन से लेंगे तो अब जब व्हेन बी टेक अ वर्टेक्स सेवन, तो जब सेवन डिस्टेंस हो जाएगी इसकी टू की, सेवन वर्टेक्स हो जाएगी, तो यहाँ पे एक थ्री के लिए एज जा रहा है, जबकि थ्री ऑलरेडी मिनिमम वर्टेक्स सिलेक्टेड था, थ्री इज सिलेक्टेड ऑलरेडी मिनिमम, बट When we go one step ahead, to 7 minus 5, that is equal to 3. ठीक है, 7 minus 5, that is equal to 2, which becomes a false. This means Dijkstra algorithm may not work for this graph. Okay, this one is the
डायनेमिक अप्रोच फॉर फाइंडिंग ए सिंगल सोर्स आर्टिस्ट पाथ प्रॉब्लम सिंपली व्हेन नेगेटिव इज लेंथ आर परमिटेड बी व्हेन ग्राफ हैज नो साइकिल ऑफ negative length. In case of Dijkstra algorithm, in case of Bellman-Ford algorithm, it single source artist path problem, even the graph having a some edges which have negative edge length, but restriction is there, the graph have no cycle of negative length. Koi aisi cycle, like this is necessary to assure that the artist path consisting finite number of edges. Let us consider the example here. यहाँ पे देखेंगे तो ये जो साइकिल है 1 से 2 के बीच में एक साइकिल एग्जिस्ट कर रही है 1 से 2 और 2 से ऑलरेडी हम 1 जा रहे हैं. इसकी लेंथ क्या है देखिए, व्हाट इज द लेंथ, 1 प्लस माइनस 2 माइनस 1 हो गई. तो दिस मींस वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल सोर्स आर्टिस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सोर्स टू ऑल द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. बिकॉज यदि हमें यहाँ पे 3 के लिए जाना है तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 पे गए, फिर 1 से 2 पे गए, फिर 1 से 2 गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स फिर 1 से 2 इस तरीके से जाते रहेंगे. दिस मींस द लेंथ ऑफ आर्टिस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 2 टू 3 इज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो व्हेन देयर आर नो साइकिल ऑफ नेगेटिव लेंथ देयर इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ n वर्टिसेस एंड ग्राफ हैज एट मोस्ट n माइनस 1 एजेस ऑन इट. n माइनस 1 एजेस होंगी तभी हमारा ग्राफ क्या होगा, कनेक्टेड होगा. Dijkstra algorithm already आप डिस्कस कर चुके हैं. इन Dijkstra algorithm we compute only the length distance u is equal to length of shortest path from source vertex to v to u. What is here, in case of dynamic programming, when we use a dynamic programming approach, we write a solution in recursive form. So this is distance of value is equal to what, this is the length of shortest path from source vertex v to vertex u under the constraint that shortest path contains at most l edges. Distance of 1u क्या हो जाएगा, this is cost of v to u. U is any vertex of the graph and v is the source vertex. 1 is less or equal to u. तो हम distance of 1u कर लेंगे and with the base of this we find a distance 2u, 3u, 4u, 5u and up to distance of n minus k की value जब तक n minus 1 नहीं हो जाएगी. If there is a no cycle of negative length, we can limit our search for shortest path to path with at most n minus 1 edges में आपको मिल जाएगा. ठीक है, एट मोस्ट n माइनस 1 एजेस तक जाएंगे आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा. बट रिस्ट्रिक्शन क्या है, इफ देयर इज नो साइकिल ऑफ नेगेटिव लेंथ, यदि आपको नेगेटिव लेंथ का साइकिल है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आफ्टर n माइनस 1 स्टेप आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए. ठीक है, तो सिंपली दिस एल्गोरिथम वर्क्स फॉर द वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ व्हिच डज नॉट हैव एनी नेगेटिव पाथ लेंथ साइकिल. So here we compute distance of n minus 1. Distance of n minus 1 is equal to length of unrestricted shortest path from v to u. So we can compute this distance of n minus 1 by using dynamic programming approach. So here this is the dynamic distance of ku is equal to min of distance of k minus 1 u, min of I distance of k minus 1 I plus cost of I u. What is the recurrence relation can be used to compute distance of k from distance of k minus 1. k minus 1 means 1 का पता है तो हम 2 कंप्यूट कर लेंगे, 2 का पता है तो 3 कंप्यूट कर लेंगे, 3 का पता है तो 4 कंप्यूट कर लेंगे. तो हमें यदि सिंपली वी कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ 2u तो हमें 1 की जरूरत नहीं है, हम 2u से हम नेक्स्ट को फाइंड कर लेंगे. दिस इज द एल्गोरिथम. ये सिंपली देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n डिस्टेंस ऑफ i इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ vi, फॉर k टू n minus 1 एंड फॉर ईच u such that you are not equal to v and u has at least one incoming edges w from u to w. ठीक है, कोई भी incoming edge है, one incoming edge from w. यदि कोई भी incoming edge आ रही है u पे w से तो हम क्या करेंगे, for each i u in the graph distance, if distance of u is greater than distance of i plus cost of i w, cost of i w, कोई भी incoming edge है I से U पे, तो यदि इसका ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम सिंपली डिस्टेंस चेंज कर लेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे. एंड दिस स्टेप फॉर ईच आई यू फॉर एवरी वर्टिसेस. तभी हम बोल रहे हैं कि इफ द ग्राफ इज ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस तो उस केस में क्या हो जाएगा, द ये ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी, सॉरी एन इंटू एन माइनस वन. तो दैट्स वाई द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सिंपली आपको यही स्टेप करना है, दिस वन इज द मेन स्टेप.
The complexity of Bellman-Ford algorithm is order of n cube when adjacency matrix is used, and this is when adjacency matrix kab use hoga, jab when if the graph is a complete graph of n vertices. Adjacency matrix generally यदि use करते हैं matrix use करते हैं this is order of n cube otherwise order of n into u. When we use adjacency lid, this is the similar graph, similar examples. For finding the single source shortest path problem, and this is given step by step for finding a simply distance of one u path from length, path length from vertex 1 to 1 0 ho gaya, 1 to 2 6 hai, 1 to 3 5 hai, 1 to 4 5 hai, 1 to 6 5 mein, 1 to 6 mein koi path nahi, infinite ho jayenge. If you two distance of 2 2, so this is minimum of distance 1 2 plus comma min of distance 1. Ab incoming edge dekhenge, distance of 1 1, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 2 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 1 3 कॉस्ट ऑफ 3 2. जितनी भी इनकमिंग एज आ रहे हैं किस पे, 2 पे, वो सारी हम लेंगे और देखेंगे कि उसका जो डिस्टेंस 1 से आ रही है, 1 से 2 पे जा रही है ये, तो इसके पहले 1 का डिस्टेंस क्या था और प्लस उसके साथ कॉस्ट ऐड कर देंगे. सिमिलरली 3 का डिस्टेंस क्या था, कॉस्ट ऐड कर देंगे, एंड इन दिस वे वी फाइंड द पाथ. ठीक है, so today we I send this notes to you in your classroom, and also send assignment, theory assignment, which is completed on or before 31st June, and everything means assignment is submitted in the classroom, no one can email to me. Okay, सारे लोग आप लोग जो है आप assignment submit करेंगे classroom में ही. ठीक है, एक folder मैं आपको share करूंगा जिस folder में आपको सबमिट करना है. आफ्टर वन आर टू डेज आपको आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा. ठीक है, एक दो दिन में मैं फोल्डर चेक करूंगा जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है. सर कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए. सर यस सर उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा ना हमको, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से सबमिट नहीं हो पाता है, तो सबमिट होने का कंफर्मेशन क्लासरूम में. ठीक है, मैं क्लासरूम कंफर्मेशन दे दूंगा जिसका सबमिट हो जाएगा. क्लासरूम में आप लोग मैसेज देख लेंगे. ठीक है, ठीक, लेकिन जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है वो मैं फोल्डर शेयर करूंगा, उसी में सबमिट करना. ओके सर. यस सर, हम लोग की लैब क्लासेस चल नहीं रही है, फिर लैब एग्जाम कैसे होंगे? यस सर, लैब क्लासेस नहीं चल रही है. नो सर, अभी तक एक क्लास चल रही है. एक दो क्लास हुई थी, उसमें भी ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया हम लोग. ठीक है, लैब क्लासेस के लिए आप पैसा है, जो मैंने बताया है, जो सिंपल एल्गोरिथम है, लाइक एज ए लीनियर सर्च बताया मैंने, बाइनरी सर्च बताया, ठीक है, और जो भी जैसे नैपसैक प्रॉब्लम बताया, तो ये सारी एल्गोरिथम जो है आप इम्प्लीमेंट, जो सिंपल एल्गोरिथम है वो आप लोग इम्प्लीमेंट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ नेट. ठीक है, आपको प्रोसेस क्लियर है कैसे होना है, सी लैंग्वेज यदि आपको पता है तो उसके थ्रू आप जो है जनरली डाउनलोड कर लीजिए उसको और देख लीजिए. यदि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम ही बता देंगे, या अपने लैब जो लैब टीचर है उनसे पूछ लीजिएगा. सर सर, हम लोगों में फर्स्ट सेम में भी मैटलैब था, हम लोग सीख नहीं पाए, और सेकंड में भी है, लेकिन हम लोग फिर भी मैटलैब सीख नहीं पाए अब तक. आपको मैटलैब से करना है इम्प्लीमेंट? यस सर, सर बोल रहे थे मैटलैब से करना है, फिर उसके बाद एक ही क्लासेस चली, बोले कि जिसको जिस लैंग्वेज में करना है करो, फिर उसके बाद क्लासेस ही नहीं चली हमारी. तो सर मतलब हम लोग मैटलैब सीखेंगे कब, ये मेरा क्वेश्चन है. ये तो आप लोग देखिए अपने कंसर्न टीचर्स पूछे जो मैट लैब पढ़ा रहा हो. ठीक है, मैं तो सब पढ़ा दिया, सिर्फ लैब है उसका. सर हम लोगों ने बोला था लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया. नहीं, स्टार्टिंग तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहा होगा ना मैट लैब का. सर सिर्फ लैब में मैट लैब थोड़ा बहुत बताया गया था, बाकी ऐसे क्लासेस नहीं चली थी उसकी. ये सारे यदि नहीं चली थी क्लासेस तो सिंपली जो है आप थोड़ा बहुत हेल्प ले लीजिए, क्योंकि समय मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको मैट लैब पढ़ाऊं. मैंने मैट लैब जो है पढ़ाया नहीं है. ठीक है, मैं सी पे यदि आपको प्रोग्रामिंग करना है सी पे या सी प्लस प्लस पे तो आप कर सकते हैं इसका, और जब आपके टीचर ने कर दिया तो आप सिंपली सी पे करिए यदि किए हैं. नहीं किए हैं तो मैट लैब पे कोड और आसान है, मैट लैब पे और आसानी से हो जाएगी सारे जो भी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है तो मैट लैब पे आपके आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है मैट लैब में. ठीक है सर, सी हम लोग पढ़ रखे हैं, सी में हम लोग का हो जाएगा, कब सीखेंगे, सिखाई नहीं जा रहा हम लोग.